Hello sirs, myself Seema Soni. I am going to teach you class 4th EVS from NCERT book. So students, first open your book, page number 1st, going to school. In this chapter mein आपको जैसे स्कूल ओपन हो गए हैं तो आपको स्कूल आने के डिफरेंट वेज बताए जाएंगे. कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ही प्रॉब्लम होती है स्कूल आने में क्योंकि ये रेनी सीजन है और रेनी सीजन में आपके स्कूल ओपन होते हैं तो रेनी सीजन में नीचे वाटर फिल हो जाता है और स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कुछ एरियाज में. फॉर एग्जाम्पल हम आसाम की ओर चलते हैं. आसाम में नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर स्टूडेंट स्कूल आने के लिए बम्बू ब्रिज का यूज करते हैं. लुक एट दिस बम्बू ब्रिज. ये बम्बू ब्रिज है. इसमें बम्बू स्टिक एंड रोप से बनाया जाता है और वहाँ के स्टूडेंट आसाम के स्टूडेंट्स इस पर चढ़कर और ये बम्बू स्टिक को पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. नाउ नेक्स्ट ब्रिक्स ब्रिज. कुछ स्टूडेंट्स वाटर फिल हो जाने पर रोड में वाटर फिल हो जाने पर ब्रिक्स इस तरह से रख लेते हैं. ब्रिक्स मीन्स होता है ईंट. ईंट आपने देखी होगी जिससे हाउस बनाया जाता है. देखिए आपकी बुक में देखिए ये गर्ल्स स्कूल जा रही है ब्रिक्स ब्रिज पर. इस तरह से आपको आपको भी ट्राई करना है. आपके यहाँ अगर ब्रिक्स हो तो आप इसको ट्राई करिएगा. इट इज एक्टिविटी फॉर यू एंड मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 and 5 बम्बू पोल्स टुगेदर. आपको बम्बू पोल्स इस तरह से टाई करके और इसको भी आपको बना के देखना है. दिस इज एक्टिविटी फॉर यू. नाउ नेक्स्ट ओपन पेज नंबर 2. द ट्रॉली. ट्रॉली इज अ ओपन वुडन बॉक्स. आप कभी ट्रॉली में बैठे हैं क्या? आप जरूर बैठे होंगे ट्रॉली में. आप कभी अगर मैहर गए होंगे तो मैहर में हमारे ट्रॉली का यूज होता है ऊपर जाने के लिए. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर. रिवर के दोनों ओर स्ट्रॉन्ग आयरन रोप रहती है और इस आयरन रोप में हम ट्रॉली को फिट करते हैं और ट्रॉली एक स्थान से वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जाती है और ट्रॉली में 4 and 5 स्टूडेंट्स एक साथ बैठ जाते हैं और ट्रॉली में हम पुली का यूज करते हैं जो इसको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बहुत ही इजी बनाता है. नीचे दिया हुआ है लेटर्स 2 में पुली का यूज बताया गया है. ये वेल मीन्स कुएं में अभी इसका यूज होता है पुली का जिसको वाटर खींचने के लिए हम यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 3 एंड सीमेंट ब्रिज. दिस इज ट्रॉली एंड दिस इज सीमेंट ब्रिज. सीमेंट ब्रिज तो आपने भी देखा होगा स्टूडेंट्स. आप कहीं मार्केट में घूमने जाते होंगे नीचे वाटर फिल होता है और उसके ऊपर सीमेंट ब्रिज बनाया जाता है हम लोगों के निकलने के लिए. सीमेंट ब्रिज बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो सीमेंट से बनता है. सीमेंट ब्रिक्स आयरन रॉड से बनता है. स्टूडेंट्स इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं. इसके लिए क्वेश्चंस के लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जो आप देखिएगा. एंड नेक्स्ट इज कैमल कार्ट. कैमल कार्ट आपका राजस्थान में यूज होता है. कैमल कार्ट भी आपने देखा होगा. आप कभी कैमल कार्ट पर बैठे हैं क्या? अगर बैठे हैं तो इसमें क्वेश्चंस दिए हैं इनको राइट करिएगा. ये डेजर्ट में मिलता है आपको राजस्थान में जहाँ पर सैंड ही सैंड होती है बालू ही बालू होती है वहाँ पर कैमल कार्ट से स्टूडेंट स्कूल जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज उलॉग कार्ट. स्टूडेंट्स इसके पहले आपको वल्लम भी पढ़ना है जो केरला में होता है. वल्लम इज अ स्मॉल वुडन बोट लाइक ए स्नेक. एक वुडन बोट है स्नेक की तरह दिखती है. इसमें मैनी पीपल एक साथ 8 and 10 पीपल एक साथ रिवर क्रॉस करके स्कूल जाते हैं.
एंड कैमल कार्ट एंड बुलॉक कार्ट। बुलॉक कार्ट आपने देखी है, बुलॉक कार्ट आपके ब्लेजेस में पाई जाती है, जिसको बुल चलाते हैं, बैल के द्वारा चलाई जाती है। एक वुडन कार्ट होती है पीछे और उसको बुल चलाते हैं। नाउ नेक्स्ट बाइसिकल राइड। बाइसिकल, क्या आप बाइसिकल राइड करते हो? बाइसिकल राइड स्टूडेंट्स, बहुत पहले गर्ल्स को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उनका स्कूल घर से बहुत दूर होता था, इसलिए। लेकिन अभी उनको बाइसिकल से 7-8 गर्ल्स का एक ग्रुप बना के वो स्कूल जाती हैं। स्टूडेंट्स, इसके भी क्वेश्चंस का मैंने एक वीडियो बनाया है, जो आप देखिएगा यूट्यूब में। नाउ नेक्स्ट इज जुगाड़। जुगाड़ क्या है? व्हाट इज जुगाड़ और कैसे बनाया जाता है? जुगाड़ इज अ व्हीकल मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल। जुगाड़ एक व्हीकल है जो वेस्ट मटेरियल का यूज करके बनाया जाता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, इसका आगे वाला पार्ट मोटरसाइकिल का है और पीछे एक वुडन कार्ट है। तो ये दोनों मिला के इन्होंने जुगाड़ बनाया है, जिसमें स्टूडेंट को स्कूल ले जाने में इसका यूज होता है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 8, चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स बताते हैं कि हम बहुत ही थिक फॉरेस्ट से स्कूल जाते हैं। एट सम प्लेसेस इट इज सो थिक इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। वहाँ पर सनलाइट भी नहीं रहती है। इट इज ऑल्सो वेरी साइलेंट, और बहुत ही साइलेंट रहता है। हैव यू एवर बीन अ थिक फॉरेस्ट, थिक जंगल? आपने कभी थिक फॉरेस्ट या थिक जंगल देखा है? अगर देखा है तो आप इसमें राइट करिएगा यस, एंड राइट योर एक्सपीरियंसेस इन योर नोटबुक। और थिक फॉरेस्ट से जाने का जो आपका एक्सपीरियंस है वो इसमें राइट करिएगा। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन द स्नो। स्नो मीन्स बर्फ। क्या आप कभी बर्फ में चले हैं? क्योंकि ये स्टूडेंट्स बर्फ में चल के स्कूल जाते हैं। इनके एरिया में काफ़ी स्नो इकट्ठा हो जाता है नॉर्दर्न हिल्स में। ये नॉर्दर्न हिल्स है, नॉर्दर्न हिल्स में स्टूडेंट्स एक साथ 4 और 5 स्टूडेंट हैंड को होल्ड करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जिससे वो स्लिप ना हो जाए, और स्कूल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 9, रॉकी पाथ। रॉकी, रॉक मीन्स पत्थर, चट्टान। चट्टानों से होकर, पत्थरों से होकर ये स्टूडेंट स्कूल आते हैं। ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में स्टूडेंट इस तरह से, इनके स्कूल बहुत ही ऊपर बने होते हैं रॉक्स, रॉकी पाथ पर, वहाँ से ये लोग स्कूल आते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।